मार्शल सैम मानेकशॉ, जनरल अरोरा, जनरल जैकब, लांस नायक अल्बर्ट एका, ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, कैप्टन मोहन नारायण राव सामंत, ऐसे अनगिनत जितने ही वीर हैं जिनके नेतृत्व और साहस की कथाएं हमें प्रेरित करती हैं। बांग्लादेश सरकार द्वारा इन वीरों की स्मृति में आशुगंज में वॉर मेमोरियल समर्पित किया गया है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि मुक्ति युद्धों में शामिल कई भारतीय सैनिक आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भी हैं। बांग्लादेश के मेरे भाई और बहनों, यहां की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहूंगा। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए वो तस्वीरें विचलित करती थी, कई दिन तक सोने नहीं देती थी। गोविंद हल्दर जी ने कहा था, एक सागर रक्तेर विनिमये बांग्लार स्वाधीनता आनले धारा आमरा तोमादेर भूलबो ना, आमरा तोमादेर भूलबो ना। यानी जिन्होंने अपने रक्त के सागर से बांग्लादेश को आजादी दिलाई, हम उन्हें भूलेंगे नहीं, हम उन्हें भूलेंगे नहीं। बंधुगण, एक निरंकुश सरकार अपने ही नागरिकों का जनसंहार कर रही थी। उनकी भाषा, उनकी आवाज, उनकी पहचान को कुचल रही थी। ऑपरेशन सर्च लाइट की उस क्रूरता को, दमन और अत्याचार के बारे में विश्व में उतनी चर्चा नहीं की है जितनी उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। बंधुगण, इन सबके बीच यहां के लोगों और हम भारतीयों के लिए आशा की किरण थे बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान। बंगबंधु के हौसले ने, उनके नेतृत्व ने यह तय कर दिया था कि कोई भी ताकत बांग्लादेश को गुलाम नहीं रख सकती। बंगबंधु ने ऐलान किया था, एबारेर संग्राम आमादेर मुक्तिर संग्राम, एबारेर संग्राम स्वाधीनतार संग्राम। इस बार संग्राम मुक्ति के लिए है, इस बार संग्राम आजादी के लिए है। उनके नेतृत्व में यहां के सामान्य मानवी, पुरुष हो या स्त्री हो,
किसान, नौजवान, शिक्षक, कामगार सब एक साथ आकर मुक्ति वाहिनी बन गए। और इसलिए आज का ये अवसर मुजीब बर्ष है बंग बंधु के विजन, उनके आदर्शों, उनके साहस को याद करने का भी दिन है।